हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ शाखा। आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी जुजुबीस और यू कैन ऑल्सो से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड गमी कैंडी। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने एक बोल में पानी ले लिया है जो रूम टेम्परेचर में है और उसमें हमने 1 टेबलस्पून जेलेटिन ऐड कर दिया है। जेलेटिन स्प्रिंकल करने के बाद mix it and keep it aside for about 10 minutes. अब 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे if the gelatin is dissolved in water और 1/4 कप पानी इसमें फिर से ऐड करेंगे और अब इसे मिक्स करेंगे। So in total हमने 3/4 कप पानी डाला है। हम मिक्सचर को माइक्रोवेव में गर्म कर रहे हैं 1 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं जेलेटिन अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है और अब हम इसमें 1 पैकेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली पाउडर ऐड कर रहे हैं। हमने पैकेट का सारा जेली पाउडर ऐड कर दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जेली पाउडर डिसॉल्व हो जाए और रेसिड्यू नीचे ना बैठे। पानी गर्म है और हमारा जेली पाउडर भी अच्छे से डिसॉल्व हो गया है। अब हम इस मिक्सचर को जमाने के लिए मोल्ड्स में डाल रहे हैं। ये सिलिकॉन बेस्ड मोल्ड्स हैं जो आपको बाजार में आसानी से मिलते हैं। अब इसे हम फ्रिज में करीब 4 घंटे तक रखेंगे या फिर जब तक ये अच्छे से जमता है, ताकि ये मोल्ड से अच्छे से निकल जाए। और ध्यान रखिएगा, इसे फ्रीजर में नहीं फ्रिज में रखना है। अब 4 घंटे हो चुके हैं और हमारी गमी कैंडी तैयार है। आप देख सकते हैं ये मोल्ड से कितने आराम से निकल रही है। And now our strawberry flavored gummy candy is ready. Wow, what a lovely flavor it is. अब हम इसे desiccated coconut या coconut powder में coat कर रहे हैं। आप चाहें तो sugar coat भी कर सकते हैं। Our strawberry jujubes are ready. Do make them and stay tuned for more recipes. Thank you. All the best.